Hey guys, welcome back to my channel. My name is Jyoti. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो hi, nice to meet you. तो आज हम देखने वाले हैं कि घर पे हम लोग बस ये आईब्रो प्लकर यूज करके कैसे इजीली आईब्रो बना सकते हैं. तो इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये आईब्रो प्लकर और पहले यूज करने के लिए पाउडर, कोई भी पाउडर आप यूज कर सकते हैं. और लास्ट में जब आईब्रो बन जाए तो उसके लिए मैं तो अभी लगा लूंगी एलोवेरा जेल जो अभी घर पे अवेलेबल है, और वरना आप गुलाब जल भी लगा सकते हैं. और वो भी नहीं है तो आप नॉर्मल जो आइस है बर्फ वो लगा लें, उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है. और हाँ, स्टार्टिंग में आईब्रो ब्रश करने के लिए मैं यूज करूंगी ये ऐसे ब्रश का, ये नहीं है, ये तो मेरा मस्कारा का था, पुराना जो मस्कारा था तो मैंने उसका ब्रश यूज किया है अच्छे से धोकर. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इजीली आप घर पे कैसे आईब्रो बना सकते हैं फटाक से. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1. जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा आईब्रो पूरा बढ़ गया है, नीचे से, ऊपर से और ये पीछे के साइड से. और जब आईब्रो बढ़ता है तो ये पूरा ऐसे बिखर जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है. और मेरा इतना ही ग्रोथ है तो मैं टू टू थ्री वीक्स में मैं बना लेती हूँ, मतलब 2 to 3 weeks में ही इतना बढ़ता है. सबसे पहले ये ब्रश लेंगे और उसे अच्छे से ब्रश कर लेंगे जिससे कि आपको दिख जाए आपका एक्चुअल कितना बढ़ा है आईब्रो. ये करने के बाद आप ऐसे हाथ में थोड़ा पाउडर ले लें और आपको जिस शेप में चाहिए आप उस हिसाब से पाउडर लगा लें. ये करने से आपको एग्जैक्टली दिख जाएगा आपको कैसा. तो ये देखिए, मैंने ऐसे करके जो पाउडर है उससे मैंने एक शेप, एक लेयर या फिर शेप जो भी आप कहें वैसा वो मैंने बना लिया है, जिससे मुझे आइडिया हो जाता है कि मुझे कितना आईब्रो प्लक करना है इस प्लकर से. तो अब इसका काम स्टार्ट होगा और इससे उतना नहीं दुखेगा अगर मैं जैसा बता रही हूँ आप ऐसा करें. जैसे कि आपका ये आईब्रो, अगर मैं राइट साइड का बता रही हूँ, तो अगर आपका ये आईब्रो जैसे इस डायरेक्शन में है तो आप इसी डायरेक्शन में प्लक करेंगे तो वो कम लगेगा. जैसे कि मैं आपको बताती हूं इस हिसाब से. तो ये आराम से निकल आएगा. तो आप उंगलियों से, दूसरे हाथ के उंगलियों से इसे ऐसे पकड़ें ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए. और आपने तो पाउडर से वो लेयर बना के ही रखा कि कैसे निकालना है, प्लक करना है, तो आप इसे ऐसे पकड़ें और बस प्लक करते रहें और इसी डायरेक्शन में करिएगा तो आपको नहीं लगेगा, मतलब कम लगेगा. लगता तो है ही, कम लगेगा और इजीली बन भी जाएगा. और जब आप खुद करते हैं तो आपको एक आइडिया भी हो जाता है कि किस शेप में और कितना करना है. और हाँ, थोड़ा फास्ट हाथ चलाएं तो इससे कम लगता है. अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ. तो मेरा तो इस साइड का नीचे एकदम क्लीन हो गया है, मैंने चेक भी कर लिया है. और अब मैं ऊपर के साइड भी करूंगी. ऊपर के साइड भी सेम प्रोसेस, ऐसे उंगली रखूंगी और जिस हिसाब से पाउडर है मैं उस हिसाब से उस एरिया में मैं आईब्रो प्लक करूंगी कुछ इस हिसाब से. तो आप देख सकते हैं एक साइड का हो गया है, अब दूसरा साइड का करने वाली हूं.
दूसरे साइड का भी फटाफट कर लेते हैं। हो तो गया है यहाँ का क्लीन, और आप चाहें तो बीच में ब्रश करके भी देख सकते हैं, आपको कहीं पे हेयर दिख रहा है तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, प्लक कर सकते हैं। तो अब हम करने वाले हैं दूसरे आइस का, तो दूसरे आइस का भी फटाफट कर लेती हूँ। इसमें भी ऐसे पकड़ के, अब इसका इस मतलब इस आइस का इस डायरेक्शन में हेयर है तो इसको इसी डायरेक्शन में निकालेंगे। इससे क्या है, आप अच्छे से देखकर छोटे से छोटे हेयर भी आप निकाल सकते हैं। फाइनली मेरा तो दोनों साइड का आईब्रो बन गया है। मेरा आईब्रो पीछे से बहुत ही लाइट है दोनों साइड में ही, और सामने से कुछ ज्यादा ही है। तो ये हो गया, मैंने कर लिया। अब मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले रही हूँ, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है, अब मैं इसी को अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप पार्लर जाना अवॉइड करना चाहते हैं तो आप जरूर से इसे ट्राई करें, क्योंकि अभी तो मैं एकदम ही अवॉइड कर रही हूँ जाना, और इसे थोड़ा हल्का हल्का मसाज कर लें। ओके, और हाँ, ये करने से ये भी होगा कि जैसे अगर आपको कहीं जाना है अर्जेंटली और आपके पास आईब्रो प्लकर है तो आप तो इसे फटाक से कर ही सकते हैं, आपका आईब्रो रेडी टू गो। ये बहुत ही जल्दी आपका आईब्रो भी बन जाएगा घर पे ही, पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो। और आईब्रो प्लकर तो मेरे घर पे था ही, बहुत दिन से ही था, मैं यूज करती हूँ। नहीं है तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल लोकल शॉप से भी परचेस कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप जाके बोलिएगा आईब्रो प्लकर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एलोवेरा जेल अगर आप नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप गुलाब जल भी लगा सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप आइस भी घिस सकते हैं, वो तो बेस्ट होता है। मैं भी लगाती हूँ बट अभी मैं नहीं अप्लाई कर रही हूँ। तो चलिए, होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।